दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आ रही है दैनिक जागरण न्यूज़ के अनुसार। क्या है खबर? यह खबर है सेवा शर्त नियमावली को लेकर के। हम जानेंगे इस वीडियो में इसके बारे में क्या है नई खबर। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नए साल में लागू होगी सेवा शर्त नियमावली। प्रदेश के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा लाभ। 3 सदस्यीय कमेटी तैयार कर रही नियमावली। क्या है पूरी खबर, चलिए देखते हैं। लंबे अरसे से सेवा शर्त नियमावली लागू होने का इंतजार कर रहे बिहार के 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त की सुविधा देने जा रही है। नियमावली में जो प्रावधान किए जा रहे हैं उनके मुताबिक हर नियोजित शिक्षक को पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। वहीं महिला शिक्षकों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश, जो कि अभी 135 दिन का अवकाश दिया जा रहा है। नियमावली ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए वित्त विभाग, शिक्षा विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के आला अफसरों की टीम एक्शन में है। प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त नियमावली का लाभ मिलेगा। ये शिक्षक अभी तक बिना सेवा शर्त नियमावली के ही कार्य कर रहे हैं। एक उच्च पदस्थ अधिकारी के मुताबिक नियमावली का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। नियमावली में नियोजित शिक्षकों की सेवा निरंतरता का लाभ देने का प्रावधान किया जा रहा है। इससे प्रत्येक नियोजित शिक्षकों को लाभ मिलेगा। मसलन, यदि प्रारंभिक विद्यालय से हाई स्कूल में कोई शिक्षक शिक्षण कार्य में आया है तो भविष्य में दोनों सेवा अवधि को जोड़कर वरीयता व प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। इसी तरह का प्रावधान हाई स्कूल से उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के लिए आए शिक्षक के लिए लागू होगा। 10 साल सेवा पूरी करने के बाद प्रमोशन का लाभ सुनिश्चित होगा। नियोजित शिक्षक की योग्यता वरीयता से प्राचार्य यानी कि प्रधानाध्यापक के पद भरे जाएंगे। वरीय शिक्षकों को प्राचार्य में प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। नियोजित शिक्षकों के तबादले को लेकर भी सशर्त प्रावधान तय किए जा रहे हैं। कमेटी में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव शामिल हैं। जल्द लागू किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों के विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनिक कार्रवाई का अधिकार पंचायती राज संस्थाओं के जिम्मे होगा। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष एवं विधान पार्षद केदारनाथ पांडे के मुताबिक नियोजित शिक्षकों के हित में सेवा शर्त नियमावली को जल्द लागू किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं? बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व पूरे प्रदेश के नियोजित शिक्षकों के हित में सेवा शर्त नियमावली को लागू करने का सरकार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के आलोक में गठित 3 सदस्यीय कमेटी के स्तर से नियोजित शिक्षक सेवा शर्त नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जब नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा तब उस पर विधि विभाग से परामर्श लिया जाएगा। उसके बाद नियमावली को सरकार लागू करेगी। तो दोस्तों, ये थी एक महत्वपूर्ण खबर। आप इस नई सेवा शर्त नियमावली के बारे में क्या सोचते हैं? यह किस प्रकार का होना चाहिए और इसमें कौन कौन से लाभ होने चाहिए? आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं इसी प्रकार के नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार।
जय हिंद।